सीबीआई ने एजेएल जमीन आवंटन मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और एजेएल पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। सीबीआई ने पंचकुला की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। हरियाणा के राज्यपाल SNRA ने नेशनल हेरल्ड मामले में केस दर्ज की इजाजत दी थी। सरकार पूरी दुर्भावना के साथ काम कर रही है। मामला न्यायालय में पेंडिंग है और मेरा मानना है कि अंततः सत्य की जीत होगी। बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई अपना काम कर रही है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मुझे लगता है कि इन सारे लोगों को इवेंचुअली उनकी जगह जो है वो हवालात में है, जेल में है, लेकिन जो कानून अपने हिसाब से चलता, कानून का प्रक्रिया चल रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने जो करप्शन किया है, ये एक दिन जिस तरह से लालू यादव जेल के हवालात में है, उसी तरह से ये भी जेल में रहूंगे।